नर्तन भजन करन की बेरिया, नर्तन भजन करन की बेरिया, तेही मन मूड गवायो ना। नर्तन करन भजन की बेरिया, नर्तन भजन करन की बेरिया, तेही मन मूड गवायो नाय हो, तेही मन मूड गवायो नाय। नर्तन भजन करन की बेरिया, प्रगट भूमि तन रूदन ठान्यो, परवश मल मूत्र ही लपटान्यो, प्रगट भूमि तन रूठन ठान्यो, परवश मल मूत्र ही लपटान्यो, खेली खाए बालापन खोयो, खेली खाए बालापन खोयो, भय में समय बितायो नाय हो, नर्तन भजन करन की बेरिया, तेही मन मूड गवायो नाय हो, नर्तन भजन करन की बेरिया। कछु दिन बीते यौवन आयो, विषय विरह में मन भरमायो। मनुष्य का जीवन कैसे व्यतीत हो जाता है, जिस हेतु से ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, हम उनका उपयोग नहीं कर पाते और व्यर्थ में ही बिता देते हैं। और अलग अलग अवस्था की बात सदगुरु अभिलाष साहेब इस भजन में बताते हैं और क्या कहते हैं। कछु दिन बीते यौवन आयो, विषय विरह में मन भरमायो, कछु दिन बीते यौवन आयो, विषय विरह में मन भरमायो, साधन योग अवस्था मन तू, साधन योग अवस्था मन तू, विषयन माही सीरायो नाय हो, नर्तन भजन करन की बेरिया, तेही मन मूड गवायो नाय हो, नर्तन भजन करने की बेरिया।
जानी कई वृद्धापन आयो शिथिल गात बलहीन दुखायो जानी कई वृद्धापन आयो शिथिल गात बलहीन दुखायो जेहि की आस कियो सुख हेतु जेहि की आस कियो सुख हेतु सो कुल कुटुंब दूरायो नाय हो नर्तन भजन करन की मेरिया तेहि मन मूड़ गमायो नाय हो नर्तन भजन करन की मेरिया धर्म में चित नहीं दिन्हे नहीं सत्संग ना प्रभु पद चिन्हे। और एक बहुत ही सुंदर बात सतगुरु अभिलाष साहेब जी इस कड़ी में बताएं, दान धर्म में चित नहीं दिन्हे। हमारा मन दान में नहीं लगता। हम यदि कहीं बाहर जाते हैं, इलाहाबाद में आ जाए और इस कबीर आश्रम का सहारा ना मिले तो हम कहां पर रुकेंगे? किसी होटल में, किसी लाज में। और आप सबको पता है आज की महंगाई में किसी भी होटल में रुकना या लाज में ठहरना कम से कम 1000 रुपए की किराया तो लगेगा एक दिन का, और 400 से 500 रुपया खर्चा आपका हो जाएगा। इस आश्रम की व्यवस्था हम सबसे बनी हुई है। हमको चाहिए कि हम इस आश्रम के लिए जितना बन सके अधिक से अधिक सेवा करें, सहयोग करें। जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे जानकारी है, इस संस्थान में वार्षिक अधिवेशन के कार्यक्रम में 100 रुपया अगर खर्चा होता है तो ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 रुपये की ही आवक होती है, और इसकी भरपाई हमारे संत गुरुजन करते हैं। कहने का मतलब वो लगाते हैं। हम सबका फर्ज बनता है कि हम आगे आए और आगे आकर के हमारे आश्रम का सहयोग करें, क्योंकि ये संतों का आश्रम नहीं है, हमारा आश्रम है, हमारा अपना आश्रम है। और इसी बात को सदगुरु इस पद में दोहरा रहे हैं और क्या कहते हैं, दान धर्म में चित नहीं दिन्हे नहीं सत्संग ना प्रभु पद चिन्हे। दान धर्म में चित नहीं दिन्हे नहीं सत्संग ना प्रभु पद चिन्हे। जग बिसराए ना गो मन मारिए शांति समाधि लगायो नाय हो नर्तन भजन करन की मेरिया तेहि मन मूड़ गमायो नाय हो नर्तन भजन करन की मेरिया।
साम माया हित धाया धन कुटुंब में मोह बढ़ाया। और हम सब लोग सुबह से शाम तक अपने निजी स्वार्थ में लगे रहते हैं, कभी परमार्थ का काम नहीं करते। और भजन की इस अंतिम कड़ी में सदगुरु अभिलाष साहेब हमको सावधान कर रहे हैं कि सुबह से शाम माया हित धाया और धन कुटुंब में मोह बढ़ाया। हम जिनको अपना मानते हैं परिवार के लोग, उनके लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सेवा का भाव नहीं रख पाते। खाते तो हैं वहां जा करके, लेकिन कम से कम हम जो अपने खर्च या अपनी लागत ना दे पाए, ये हमारी अपनी कमजोरी होगी। इसलिए धन कुटुंब परिवार की सेवा के साथ साथ संतों की भी सेवा होना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन आप सबसे करता हूं। और क्या कहते हैं सदगुरु, सुबह शाम माया हित धाया धन कुटुंब में मोह बढ़ाया। सुबह शाम माया हित धाया धन कुटुंब में मोह बढ़ाया। अंत समय अभी लाश न तेरे, अंत समय अभी लाश न तेरे, कुछ भी हाथ में आयो ना हो। नर्तन भजन करन की बेरिया तेही मन मूड़ गवायो ना हो। नर्तन भजन करन की बेरिया तेही मन मूड़ गवायो ना हो। नर्तन भजन करन की बेरिया तेही मन मूड़ गवायो ना हो। नर्तन भजन करन की बेरिया तेही मन मूड़ गवायो ना, 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 तेही मन मूड़ गवायो।